रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ महंगाई का विरोध और धरने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगी होर्डिंग पर काला पेंट पोतने के आरोप में कांग्रेस के 4 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कुल 14 कार्यकर्ताओं को कोतवाली पुलिस ने नामजद किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कोतवाली थाना क्षेत्र के रीढ़ साहब धर्मशाला पेट्रोल पंप के पास लगे होर्डिंग पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर काला पेंट पोतने का आरोप है। कोतवाली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिजीत पाठक, महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुमित पांडे, कांग्रेस SC/ST डिपार्टमेंट के प्रदेश सचिव अमित कुमार कन्नौजिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नेताओं को छुड़ाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना पर इकट्ठा होकर पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प और बहस किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, मैंने जो कह रहे थे ना कि ये कल यूथ के हमारे यूथ के लोग और महानगर कुछ महंगाई को लेकर के अपने बातों को रख रहे थे और कुछ अपना बात कार्यक्रम रोड पे कर रहे थे और उसके बाद पुलिस उग्र हो गई। उग्र होने के बाद इन्हें पकड़ ली और इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने अफरा तफरा मचाया है, आपने प्रशासनिक कार्यों में तोड़फोड़ किया है, गंभीर धाराओं में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। कल हमने लाख बार पैरवी किए CO साहब का कि CO साहब इन्हें लॉकअप में मत रखिए, हम मुलजिम नहीं हैं, हम देश हित में काम कर रहे हैं, देशद्रोही नहीं है, तो कहे हम निकाल देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला और कई तरह के गंभीर धाराएं लगाए हैं। ये गंभीर धारा लगा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हम कांग्रेसी हैं, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम जीतेंगे। संतोष भाई, किसको इन्होंने गिरफ्तार किया? यूथ कांग्रेस के अभिजीत जिलाध्यक्ष हैं, महानगर के आशुतोष तिवारी जी हैं और अनुसूचित के प्रदेश महासचिव हैं अमित कन्नौजिया जी, सुमित पांडे जी हैं NSY से, इन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मेरी मांग है अगर इनका धारा वापस ना किया जाए और इन्हें बाइज्जत रिहा नहीं किया जाएगा तो हम सड़कों पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे।